मेरा जिला नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित है, जहां मैं पैदा हुआ हूं। पूरे देश में जितनी नक्सली हिंसा हुई है उसका 2/3 अकेला मेरे जिले में हुआ है। मैं वहां का पैदा हूं, मैं नक्सलवाद के बारे में मतलब बोली जी, आप नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं? नक्सलियों का समर्थन नहीं है, ठीक काम करना, अपने यहाँ पे राशन बंटवाना, राशन के लड़ाइयों के राशन चीज कुछ मुद्दे लड़ना, वो नक्सलाइट हो जाते हैं क्या? चलिए हरपाल सिंह जी आपके पास आता हूँ। ये जो सारी चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले से थी, आप इस बात को मान रहे हैं, या फिर ये हालातों की वजह से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय राजनीतिक पार्टी बनाने के, क्या मान निकाल पा रहे? केजरीवाल जी बहुत ही झूठे किस्म के इंसान हैं, लगातार वो कई जगहों पे झूठ बोलते आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब केएन गोविंदाचार्य के मंचों पर वो थे और बाद में केएन गोविंदाचार्य को भी पहचानने से इनकार कर दिया, जब श्री श्री रविशंकर जी के लोगों के द्वारा इनके कार्यक्रमों में सहयोग दिया गया, बाद में उनकी ही बातों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आपको मालूम होगा कि राजेंद्र सिंह जलबिरादरी के और पीवी राजगोपाल एकता परिषद के ये सारे लोग हट गए। यही नहीं, आप देखिए कि प्रधानमंत्री के यहाँ जो लोकपाल भेजा गया उसमें डॉक्टर जयप्रकाश का भी लोकपाल था। डॉक्टर जयप्रकाश के लोकपाल को इस व्यक्ति ने देखने से भी मना कर दिया। इस किस तरह का घमंड है इसको, इस ये अपने आप को देश का क्या समझता है, पहली बात। दो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे बार बार कि ये शुरू से ही राजनीति द्वारा प्रायोजित आंदोलन था। अरुणा राय के साथ जब अरविंद केजरीवाल एनएससी में थे, सोनिया गांधी को एडवाइज कर रहे थे, उस समय क्या ये भूल गए थे जी? उस समय इनकी सामाजिकता कहां चली गई थी? सामाजिकता कहां चली गई थी, और इसका जवाब हम जौली जी से लेंगे भी यहां पर। उनको बताना भी होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल इन विवादास्पद बयानों में क्यों पड़े, इन विवादास्पद मंचों पर क्यों दिखे, ये अभी तक भी सवाल बना हुआ है। इसके अलावा तमाम चीजें जो विजन डॉक्यूमेंट में कही गई हैं वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। इन सवालों पे भी हम जवाब यहां पर जरूर लेने की कोशिश करेंगे अपनी इस प्राइम टाइम डिबेट में। फिलहाल होते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।